कार्यदायी संस्था मेघा कंपनी पे पैतृक घाट तथा पैदल मार्ग को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी ने उनके पैदल रास्तों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिस कारण आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों को शवों को घाट तक लाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में आज का इस समारोह के ही कारणों से एक वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जब पूरी दुनिया पस्त है, त्रस्त है और तब डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास का एक दिव्यांगजनों का विश्वविद्यालय अपना दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है और सचमुच एक अभिनंदन प्रयास है, यानी सफलता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कोई भी चुनौती आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती है। कोरोना कालखंड में जो इस बात का उदाहरण है, विश्वविद्यालय परिवार को इसकी बधाई देता हूं। यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है और विश्वविद्यालय ने अपने कुल गीत के रूप निरंतर आगे बढ़ने के उस संकल्प के साथ नए विभागों की रचना और उसके अनुरूप यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है उसके निर्माण की भी एक बड़ी परियोजना के लोकार्पण के कार्यक्रम को यहाँ पर आज संपन्न किया है। मैं विश्वविद्यालय को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबने जब कुलपति जी ने आप सबको दीक्षांत उपदेश दिया था, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि दीक्षांत उपदेश आपको क्या प्रेरणा दे रहा है, सत्य बोलने के बारे में, धर्म के पथ पर चलने का और स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद न करने का। कुशल कार्य में प्रमाद न करने और जब भी अवसर मिले तो महान बनने के अवसर से अपने आप को वंचित न करना, अपने उन सामान्य शिष्टाचार और संस्कारों को सदैव बनाए रखना, यानी माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, अतिथि के प्रति क्या भाव हमारे मन में होना चाहिए, ये सदैव बनाए रखना, ये सब उपदेश उन्होंने आज यहाँ पर अपने दीक्षांत उपदेश में आप सबके सम्मुख उपाधि वितरण करने के पूर्व यहां पर कहे। वास्तव में इसकी प्रासंगिकता हर देश, हर काल और हर परिस्थिति में हम सबके सामने बनी हुई है और ये तब जब हम लोग आज के प्रत्यक्ष में देखते हैं। देखिए, हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द के साथ जोड़ करके और दिव्यांगता यानी हम सबके अंदर एक दिव्य शक्ति है, जिस दिव्य शक्ति का एहसास इस समाज को होना चाहिए और जब भी उचित अवसर किसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ है उसने अपनी दिव्य शक्ति का लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए पूरा अवसर हमें दिया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द देना और इसके माध्यम से दिव्यांग जनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हृदय से
आभार व्यक्त करता हूं, उसका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड के दौरान में देख रहा था दुनिया की सदी की सबसे बड़ी आपदा से हम जूझ रहे थे, और उस दौरान एक बार ये भी बात आई थी कि आखिर अलग अलग तबके के लिए शासन के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो दिव्यांग जनों के लिए क्या हो रहा है। एक साथ 10,68,000 के आसपास दिव्यांग जनों को शासन ने एक मुफ्त पेंशन देने के अलावा कोरोना कालखंड के दौरान उन्हें 1,000 रुपए की धनराशि भी उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से देने का कार्य किया। दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए शासकीय सेवाओं में जो पहले उनकी कैटेगरी कम थी उसको बढ़ाने का प्रयास भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जब हम जुड़ते हैं तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी स्वदेशी आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन पर आधारित है, अगर आप देखें तो हमारी वर्तमान जो सदी चल रही है, इस सदी के जो सबसे बड़ी बात है, सदी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की सदी के रूप में जानी जाएगी, और ज्ञान आधारित इस अर्थव्यवस्था के लिए जानी जाने वाली सदी में तीन प्रमुख बातें बहुत मायने रखेंगी। एक परंपरागत ज्ञान, दूसरा परंपरागत ज्ञान में जो इनोवेशन है इसका महत्व होगा, और तीसरा देश के अंदर स्टार्टअप संस्कृति की शक्ति को जानना। जैसे आप शोध कहते हैं, हम लोग अक्सर क्या देखते थे, अक्सर बच्चा किसी एक पक्ष को लेकर के, कोई छात्र किसी एक पक्ष को लेकर के जाता था, अपने फाइनल ईयर में उसे प्रोजेक्ट का कार्य दिया जाता था, लेकिन वह प्रोजेक्ट उसके आगे भावी जीवन में किस रूप में उपयोगी बन सकता है इसको जोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया। और मुझे लगता है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन तीनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से आपके जीवन में आप सबको और इस समाज को भी और इस देश को भी आत्मनिर्भरता की ओर से ही और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा है, और इसके लिए हमारे संस्थान को, जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, इन सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एक नई चुनौती है आपके सामने, आपने कोरोना से सफलतापूर्वक उभरने के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी का गठन करना, उसके एक पक्ष के बारे में कार्य करना और फिर उसके सफलतम क्रियान्वयन के पक्ष को भी आगे बढ़ाने का कार्य करना, और अगर आप इस दिशा में प्रयास कर सकेंगे तो सचमुच आपको अपने भावी जीवन में ज्ञान के पीछे का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को क्या उस सैद्धांतिक पक्ष तक सीमित न रख करके उसका व्यवहारिक पक्ष भी आप सबके सामने दिखाई देगा। जब डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांग जनों के लिए स्थापित यह राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अपना सप्तम दीक्षांत समारोह यहां पर आयोजित कर रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज यहां पर बहुत सारे छात्र छात्राओं को उनकी उपाधियां यहां पर वितरित की गई और पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ दीक्षांत समारोह यहां पर संपन्न हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता इस बात को लेकर के है कि जिस विदुषी के नाम पर विश्वविद्यालय बना है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी के नाम पर, आज उनकी ग्रैंड डॉटर को भी यहां पर पहली पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है। यही तो जीवन की उपलब्धि है।
डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी की आत्मा को असीम शांति की अनुभूति हो रही होगी कि उनके नाम से बने विश्वविद्यालय में पहली पीएचडी की डिग्री उनकी ग्रैंड डॉटर ने अर्जित की है। और ये मुझे लगता है कि भारत की ज्ञान की प्रवाह की परंपरा को हम सबको गौरवशाली बनाने के लिए की ओर अग्रसर करता है। मैं आज के इस अवसर पर उपाधि धारण करने वाले सभी जितने भी इस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, इन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके आचार्यों को और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विश्वविद्यालय उन सभी भावनाओं को जो एक अभिभावक की है, एक छात्र छात्रा की है, जो समाज की है, उन सभी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए विकास, नवाचार और स्टार्टअप की इस नई संस्कृति को, भारत की परंपरागत ज्ञान की संस्कृति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। श्रीमन, आपके इस विश्वविद्यालय के प्रति प्रकट विचार खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। खबरों का सारथी। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन